इंदौरा चौक के पुष्पा अपार्टमेंट परिसर में एक व्यक्ति को मौत की घाट उतारकर फरार हुआ हत्यारा आखिर क्राइम ब्रांच के हाथ लग गया है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। 2700 स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। आरोपी की तस्वीर सार्वजनिक की गई और आखिर आरोपी धरा गया। जांच में पता चला कि महज सोने की जगह को लेकर मृतक और आरोपी का विवाद हुआ था। पकड़ा गया आरोपी चेतन राजहंस लुलारी उम्र 25 साल बताया गया है। इंदौरा भंडार मोहल्ला निवासी मधुकर मणि बाकरे उम्र 40 साल टाइल्स फिटिंग का काम करते थे। उन्हें शराब की लत थी और रोजाना शराब पीकर जहां जगह मिल जाए वहां सो जाते थे। चेतन के भी माता पिता का देहांत हो चुका है। वह भी रोज मजदूरी करके अपना उदर निर्वाह करता है। 23 मई की रात मधुकर इंदौरा चौक के समीप स्थित अमारा डेंटल अस्पताल के सामने सोए थे। रात में भटकता हुआ चेतन भी वही सोने चला गया। सोने की जगह को लेकर दोनों का विवाद हुआ और मधुकर ने चेतन के साथ गाली गलौज कर वहां से चले जाने को कहा। चेतन ने पत्थर से वार कर मधुकर को मौत की घाट उतार दिया और दिन निकलते ही वहां से चलता बना। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज तो मिला लेकिन चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अलग अलग स्थानों की फुटेज खंगाली गई। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सभी दरगाहों पर तलाश की गई। साथ ही पंटरों को भी काम पर लगाया गया। आखिर बुधवार को चेतन क्राइम ब्रांच के हाथ लग गया। उसे गिरफ्तार कर पाचपौली पुलिस के हवाले किया गया। इंस्पेक्टर मुकुंद ठाकरे, पीएसआई मधुकर काठो की नवनाथ देवकाते, एएसआई सतीश पांडे, दशरथ मिश्रा, हेड कांस्टेबल विजय श्रीवास और उनकी टीम ने कार्यवाही को अंजाम दिया। पाचपावली पुलिस स्टेशन अंतर्गत अपराध क्रमांक 482/24 कलम 302 भादवी 23/5/24 च्या रात्रीच्या दरम्यान मधुकर बागडे राणा जरीपटका यांचा खून झाला होता। त्यांच्या भावाच्या तक्रारवरून पोलीस स्टेशन पाचपावली येथे गुन्हा दाखल होता। त्याचा समांतर तपास पोलीस स्टेशन पाचपावली आणि क्राईम ब्रँच पण करत होते। त्यातील आरोपी अद्यापर्यंत फरार होता। तर काही तांत्रिक पुरावे याच्यावर काम करून सायबरच्या मदतीने आणि काही फिजिकली आम्हाला काही आमचे गोपनीय सोर्सेसनुसार आज जबलपूर हायवे बायपास आहे तरोळी गावाचे शेत शिवारास एक इसम आहे असं झोपलेलं झाडातली अशी माहिती मिळाली। त्यावरून आम्ही गेलो, त्याला ताब्यात घेतलं, विचारपूस केली, त्यानं कबूल केलं की यस, त्यानं कबूल केलं आहे की त्यानं स्त्री हत्या केलेली आहे। आरोपीचं पूर्ण नाव चेतन राजहंस लोणारे, वय 25 वर्ष, राहणार भांबोरे यांच्या घरी किरायाने, नंदनवन झोपडपट्टी पोलीस ठाणे नंदनवन येथे तो राहतो आणि डायनाकेम मॅंगनीज कंपनी आहे तिथे तो नाईटची शिफ्ट हेल्पर म्हणून काम करतो आणि गुन्हा घडला तेव्हापासून असाच बाहेर तो भटकत होता। आज रोजी त्याला ताब्यात घेतलं, विचारपूस वगैरे केली, प्राइमा फेसी कबूल केलेला आहे। त्यामुळे पुढील तपासाच्या अनुषंगाने पोलीस स्टेशन पाचपावली येथे वैद्यकीय तपासणी करून पुढील कारवाईसाठी पोस्ट पाचपावली ताब्यात देण्यात आलेला आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।